गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए मखाने की सब्ज़ी, बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही टेस्टी, एक बार ट्राई ज़रूर करें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं बिना लेट के। मैंने यहाँ लिया है लगभग 100 ग्राम मखाने। मखाने को ड्राई रोस्ट करना है, कढ़ाई में डाल के कंटिन्यूसली चलाते रहें। जब मखाना का कलर हल्का चेंज हो जाए तब आपको हाथों से क्रश करके चेक करना है। अगर मखाना अच्छे से क्रश हो जाए तो आपका मखाना ड्राई रोस्ट हो चुका है, देख सकते हैं। अब हम इसे बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। और में ट्रांसफ़र कर लिया है मैंने। अब लेंगे यहाँ 2 से 3 चम्मच बेसन। बेसन को लो फ्लेम पे रोस्ट करें, हाई फ्लेम पे रोस्ट अच्छे से नहीं होंगे, कच्चापन बेसन का दूर नहीं होगा, इसलिए हमेशा बेसन को लो फ्लेम पे रोस्ट करें। अब लेना है कढ़ाई में 2 से 3 चम्मच ऑयल। अब डालेंगे 1 चम्मच जीरा। जीरा जब चटकने लगे तब डालना है 2 से 3 बारीक कटे हुए प्याज। जब प्याज अच्छे से गोल्डन ब्राउन, लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए तब इसमें हम ऐड करेंगे बारीक कटे हुए हरे मिर्च, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। मिर्च अपने अकॉर्डिंग डालें, जितना आपको तीखा खाना पसंद हो। अब सबको अच्छे से मिक्स करके गोल्डन ब्राउन होने तक वेट करेंगे। जब प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाए तब इसमें हम ऐड करेंगे 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, इससे कलर बहुत ही अच्छा आता है, 1 टेबल स्पून रोस्टेड जीरा पाउडर। सबको अच्छे से मिक्स करेंगे और अब ऐड करेंगे हम इसमें टमाटर प्यूरी। टमाटर को मैंने पीस लिया है। टमाटर प्यूरी ऐड करने के बाद इसको अच्छे से 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे, जब तक ऑयल रिमूव ना हो जाए। जब ऑयल रिमूव हो जाए तब इसमें हम ऐड करेंगे ताजी फेटी हुई दही, देख सकते हैं। दही मिलाने के बाद कंटिन्यूसली चलाते रहें, इससे टेस्ट इसका बहुत ही अच्छा आता है। और जब मिक्स हो जाए तब इसमें हम पानी डालेंगे, देख सकते हैं। थोड़ा सा पानी डालें अपने अकॉर्डिंग, जितना ग्रेवी आपको रखना पसंद हो, और भुना हुआ बेसन डाल देंगे। फिर सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर थोड़ा सा पानी डाल के उबाल आने देंगे। जब उबाल आ जाए तब जो मैंने ड्राई रोस्ट मखाना करके रखा है मखाने को डाल देंगे। फिर ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून गरम मसाला, टेस्ट अकॉर्डिंग नमक, जितनी नमक आपको रखनी हो। अब सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर ऐड करना है आपको एंड में 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी, क्रश करके डालें। और एंड में आपको क्या करना है पता ही है, धनिया पत्ता से गार्निश। बस क्या, मखाने की सब्ज़ी बनके तैयार है। गर्मा गर्म सर्व करें, रोटी, नान, बटर रोटी, किसी भी रोटी के साथ खाएं, बहुत ही डिलीशियस लगता है। एक बार ट्राई ज़रूर करें, देख सकते हैं कितना ही ये डिलीशियस है, यमी है। एक बार ट्राई ज़रूर करें और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नए हैं तो सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर।